बीते दिनों सीधी के आदिवासी समाज के व्यक्ति पर पेशाब करने का मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना को लेकर ब्लॉक कांग्रेस दही द्वारा क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल के नेतृत्व में जुलूस निकालकर तहसील कार्यालय दही तहसीलदार वास्केल को ज्ञापन सौंप कर घोर कृत्य की कड़ी निंदा की गई। वहीं आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग के साथ इस मामले को पूर्व मंत्री द्वारा विधानसभा में उठाने को कहा गया है। दही से शाहरुख बलोच की रिपोर्ट। जिसको लगभग एक हफ्ते पहले लोगों की जानकारी में आ गया था कि इस तरह का कृत्य एक आदिवासी समाज के व्यक्ति के साथ में हुआ, एक हफ्ते तक प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रदेश की भाजपा सरकार और वो जो विधायक है, जिनका वो विधायक प्रतिनिधि है, वो विधायक भी उस प्रतिनिधि को बचाने में लगा रहा। हफ्ते भर बाद में जब ये प्रकाश में बात आई, मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, तब जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके मुख्यमंत्री ने इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए। हफ्ते भर तक उस संबंधित जिलाधीश कलेक्टर ने, वहां के कप्तान एसपी ने उसको त्वरित कार्रवाई, जब उनके बात पता में, उनकी जानकारी में, कार्रवाई क्यों नहीं करी, किसके दबाव में थे, कौन व्यक्ति ये लोग थे जो इस पे कार्रवाई नहीं होने दे रहा चाह रहे थे, संबंधित कलेक्टर को और संबंधित एसपी पे जिस तरह से शिवराज सिंह जी ने कल कहा 8 दिनों के बाद कि हमने एनएसए लगा दी, बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे, देरी से करी कार्रवाई, इसके लिए हम पूरा आदिवासी समाज में रोष है। संबंधित एसपी और संबंधित कलेक्टर को तत्काल वहां से हटाना चाहिए और उन पर निलंबन की कार्रवाई भी होना चाहिए। उसी तरह से जो विधायक हैं, जिनका वो विधायक प्रतिनिधि था, उनको भी उसकी जवाबदारी लेना चाहिए। ये उनकी जवाबदेही बनती है कि उनके किसी व्यक्ति ने इस तरह का कृत्य किया है समाज के प्रति, तो उनको भी अपना इस्तीफा देना चाहिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने का, हम लोग आदिवासी समाज के लोग यहां से प्रयास के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, ना केवल सीधी में, आप देसरपुर दही और कुक्षी और विशेषकर दही ब्लॉक, इसमें भी ध्यान रखिए कि आदिवासी समाज के व्यक्ति के साथ में अत्याचार नहीं हो। एक घटना हमारे करजवानी में हुई, हमारे आदिवासी समाज के व्यक्ति पे जिले के वरिष्ठ अधिकारी, जिनके नाम से प्रेस नोट आया, उनके कहने पे एक आदिवासी समाज के व्यक्ति पे 34-2 की धारा लगा दी गई, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है, उनका भाषण है मंडला में और झाबुआ में, कि कोई भी आदिवासी व्यक्ति अगर अपनी परंपरा और संस्कृति को निर्वाह करने के लिए, अगर वो महुआ जो प्राकृतिक फल है उससे अगर मदद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।